अंबुबासी व्रत घर में कैसे रख सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ घर में कैसे करना चाहिए और घर में ही हम लोग अंबुबासी का व्रत रख के कैसे माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लाभ कर सकते हैं, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक अवश्य बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और मेरा घर कामाख्या पीठ से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इसलिए कामाख्या पीठ से जुड़ी हुई सच्ची और रहस्यपूर्ण बातें जानने के लिए बने रहिए प्रिया हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के साथ। पूरे विश्व में कामाख्या पीठ एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पे ये माना जाता है कि माँ कामाख्या ये अंबुबासी के समय रसज्वला होती है, मतलब माँ कामाख्या को पीरियड्स आते हैं और ये पीरियड्स माँ को साल में एक बार ही आता है और इसी समय को हम सभी लोग अंबुबाची या असमीस में हाथ बोलते हैं। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में भी ये उल्लेखित है कि 51 शक्तिपीठों में ये जो कामाख्या शक्तिपीठ है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और ये माना जाता है कि अंबुबासी के दौरान अगर कोई सच्चे मन से अंबुबासी का व्रत पालन करता है तो माँ कामाख्या माँ भगवती उस भक्त के मनोबांसा पूरा करते हैं और जीवन भर माँ का आशीष उस भक्त के ऊपर रहता है। इसलिए आशीष शुरू होने से पहले ही देश विदेशों से जैसे कि अफ्रीका, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि जगहों से भक्त साधु, नागा साधु, तांत्रिक आके कामाख्या मंदिर में रहते हैं और माँ की साधना करते हैं और ये अंबुबासी जब खत्म होता है ये भक्त गर्भगृह के अंदर जाके माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो इतना शक्तिशाली ये अंबुबासी का व्रत अगर हम लोग घर में भी रखते हैं तो माता उस भक्त के ऊपर अवश्य संतुष्ट होता है। तो ये व्रत में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने से पहले आइए जानते हैं अंबुबासी इस बार कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। 22 जून वेडनेसडे शाम को 8:19 PM से अंबुबासी शुरू होगा और ये अंबुबासी खत्म होगा 26 जून संडे मॉर्निंग 8:43 AM तक। और दोस्तों हमें भी घर में अंबुबासी का व्रत रखना होगा 22 जून मॉर्निंग से 26 जून मॉर्निंग तक। दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बताने जा रही हूँ अंबुबासी के दौरान आप लोग घर में अपने मंदिर में कैसे पूजा पाठ करेंगे और जो ये नियम मैं आप लोगों को बोलने जा रही हूँ ऐसा सेम टू सेम नियम ये अंबुबासी के दौरान कामाख्या पीठ में भी किया जाता है। तो कामाख्या पीठ में अंबुबासी शुरू होने से 2 घंटा पहले ही माँ को प्रसाद के रूप में फल दिया जाता है और माँ के योनिपीठ के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता है और वो सफ़ेद कपड़ा अपने आप ही अंबुबासी के बाद जब दरवाज़ा खुलता है मंदिर का वो सफ़ेद कपड़ा लाल कपड़ा में बदल जाता है। तो आप लोग भी घर में ये काम कर सकते हैं कि अंबुबासी शुरू होने से 2 घंटा पहले ही आप लोगों के घर में जो माँ भगवती या माँ कामाख्या का अगर कोई फोटो है या कोई प्रतिमूर्ति है माँ भगवती का वो मूर्ति या फोटो आप लोग लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। और ये बात याद रखिएगा कि घर में इस्तेमाल होने वाला लाल कपड़ा नहीं, दुकान से एकदम नया लाल कपड़ा खरीद के लाइएगा और पहले वो कपड़े को शुद्ध कीजिएगा गंगाजल वगैरह तुलसी वगैरह से और फिर वो लाल कपड़ा से माँ भगवती का या माँ कामाख्या की जो आप लोग का फोटो प्रतिमूर्ति है ऐसे ढकिएगा, सिर्फ माँ का चेहरा दिखना चाहिए, बाकी पूरा अंश ढका रहेगा। इन आप लोगों के घर में अगर कोई पुरुष भगवान जैसे शिव जी हुए या कोई दूसरे भगवान है उनको आप लोग लाल कपड़ा से मत ढकिएगा, उन पुरुष भगवानों के लिए सफ़ेद कपड़ा एकदम दुकान से खरीद के नया कपड़ा शुद्ध करके भगवान के प्रतिमूर्ति को अच्छे से ढक दीजिएगा। और कामाख्या पीठ में जैसे फल माँ को प्रसाद के रूप में दिया जाता है ये अंबुबासी का दौरान, क्योंकि अंबुबासी के दौरान माँ को कोई भोग नहीं चढ़ाया जाता है, उसी तरह से आप लोग आपके घर में जो भगवान है उनको कुछ फल अच्छी तरह से निवेदन कीजिएगा ताकि अंबुबासी के दौरान भगवान के सामने वो फल प्रसाद के रूप में रह सकें। और अंबुबासी शुरू होने से 2 घंटा पहले ही आप लोग अपने घर के मंदिर का दरवाज़ा बंद करके रखिएगा और अंबुबासी शुरू होने से अंबुबासी ख़त्म जब तक नहीं होगा आप लोग मंदिर के अंदर मत जाइए ये 4 दिन और पूजा पाठ दिए वगैरह
कुछ भी मत कीजिएगा, आरती वगैरह भी मत कीजिएगा, क्योंकि अम्बुबासी के दौरान कामाख्या पीठ में भी 4 दिन के लिए दरवाज़ा बंद रहता है और मंदिर का पुजारी भी कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जाता है। इसलिए आप लोग भी घर में भी ऐसा ही नियम रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और अम्बुबासी के दौरान आप लोग अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ के माँ का कोई अगर जाप करना चाहते हैं, मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर ये सब काम हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा तो ज़्यादा फल मिलेगा। अम्बुबासी के दौरान हम लोग मंदिर के भीतर ना जाके भी मुँह से उच्चारण करके माँ का आराधना कर सकते हैं, लेकिन दिए आरती वगैरह करना एकदम मना है। और जब 26 जून मॉर्निंग 8:43 AM पर अम्बुबासी ख़त्म होगा, उससे पहले ही आप लोग पहले घर के पूरा शुद्ध कीजिएगा। जितने कपड़े वगैरह है यूज़ किए थे ये अम्बुबासी के दौरान, अगर हो सके तो धो लीजिएगा। अगर कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो गंगा जल छिड़किएगा और घर के बर्तन वगैरह भी एकदम अच्छे से धोइएगा। और घर में अगर अम्बुबासी के दौरान कोई पकाया हुआ मतलब कुक किया हुआ कोई खाना वगैरह है तो वो ग्रहण मत कीजिएगा, वो जीव जंतुओं को दे दीजिएगा। तो घर के पूरा शुद्ध करके खुद भी स्नान करके अम्बुबासी जब ख़त्म होगा मतलब 8:43 AM के बाद आप लोग अपने घर का मंदिर का दरवाज़ा खोल सकते हैं। और मंदिर के भीतर जाके पहला काम है माँ को आप लोगों ने जो लाल वस्त्र से ढका था वो माँ के शरीर से उतारना है। और वो काम करने से पहले आप लोग एकदम मन से पवित्र हृदय से माँ का अनुमति ले लीजिएगा और फिर वो वस्त्र आप लोग घर के पूरे सदस्य प्रसाद के रूप में मतलब हाथ में बांध लीजिएगा, या फिर वो कपड़ा बाद में अगर रह जाएगा तो मंदिर के ही एक कोने में अच्छे से रख दीजिएगा। अन्य भगवानों को भी आप लोगों ने अगर कोई सफ़ेद वस्त्र से ढका था वो आप पर अच्छे से धो के वो कपड़ा आप लोग मंदिर में ही रख सकते हैं और दूसरे साल के दूसरे समय में वही सफ़ेद कपड़ा ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब माँ को जो चढ़ाया था लाल वस्त्र वही है प्रसाद, वो सफ़ेद कपड़ा मतलब प्रसाद नहीं है। और फिर अम्बुबासी के दौरान आप लोगों ने माँ को जो फल निवेदन किया था वो फल किसी जीव जंतु को दे दीजिएगा, लेकिन वो फल प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण मत कीजिएगा। और उसके बाद माँ भगवती के सहित दूसरे भगवानों के भी जो अगर आपके मंदिर में प्रतिमूर्ति या फोटो वगैरह है पानी से स्नान करा के फिर भोग वगैरह चढ़ा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर माँ भगवती का कोई फोटो प्रतिमूर्ति है तो माँ को लाल जबा कुसुम फूल बहुत पसंद है, सिंदूर बहुत पसंद है। अम्बुबासी के बाद आप लोग ये वस्तुएं माँ को निवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग दैनिक जैसे पूजा पाठ करते हैं, माँ को भोग चढ़ाते हैं, आरती देते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पूजा पाठ के बारे में। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ अम्बुबासी के दौरान आप लोग घर में व्रत कैसे रख सकते हैं। अगर आप लोग अम्बुबासी का व्रत रखना चाहते हैं तो ये व्रत आप लोगों को 22 जून सुबह से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अम्बुबासी के व्रत के दौरान जो जो खाना मना है अगर आप लोग 22 जून सुबह को खाएंगे वो तो आप लोगों के शरीर में ही रहेगा। तो फिर जब अम्बुबासी शुरू होगा 22 जून शाम से तो मतलब क्या होगा, आप लोगों का व्रत अच्छी तरह से होगा नहीं। इसलिए जो भी खाना मना है वो आप लोगों को 22 जून सुबह से ही मतलब खाना नहीं है। अम्बुबासी के दौरान हम लोगों को नॉनवेज खाना एकदम नहीं चाहिए। अम्बुबासी के दौरान सिर्फ हम लोग फल और पानी ही ग्रहण कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बच्चा है, किसी का अगर कुछ ऐसा कंडीशन है तो आप लोग सिर्फ फल खा के व्रत मत रखिएगा, क्योंकि ये माना जाता है शरीर को कष्ट देके कोई व्रत मतलब सफल नहीं होता है। इसलिए अगर आप लोग सिर्फ फल खा के नहीं रह सकते हैं तो आप लोग कोई भी बॉयल खाना खा सकते हैं और ऐसे व्रत में जो खाना खाया जाता है वो सब खाना खा सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कुछ कन्फ्यूजन है तो मैंने अभी तक शायद 3-4 ऐसे व्रत के रेसिपीज डाला है मेरे यूट्यूब चैनल में, वो सारे रेसिपीज़ का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का बात मतलब क्लियर हो जाएगा। और इस अम्बुबासी के दौरान नॉन वेज मतलब लहसुन प्याज मसूर का दाल और ब्लैक दाल ये भी खाना मना है। और अदरक खा सकते हैं लेकिन दूसरे कोई भी मसाला इस्तेमाल एकदम मत कीजिएगा, जीरा धनिया ये सब भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। और अम्बुबासी ख़त्म होने के बाद जब आप लोग मंदिर में पूजा पाठ करेंगे उसके बाद आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, नॉन वेज वगैरह कुछ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अंबुबासी के व्रत के दौरान भी आप लोग सिगरेट वगैरह ऐसे जो नशीली द्रव्य है वो सब सेवन मत कीजिएगा, और जुआ खेलना ऐसे काम भी मत कीजिएगा, और मन में किसी के लिए कपट भाव भी मत रखिएगा। जितना हो सके अपने मन को पवित्र रह के ये अंबुबासी का व्रत आप लोग पालन कीजिएगा। और अंबुबासी के दौरान घर में कोई भी मांगलिक कार्य करना मना है, जैसे शादी का कोई काम, अन्न प्रसन्न या पूजा पाठ, वैदिक नियम, कुछ भी काम करना एकदम मना है। मांगलिक काम, कोई भी काम करना मना है एकदम। और इस अंबुबासी के दौरान कोई भी दूसरे मंदिर में आप लोग मत जाइएगा। कोई अगर मंदिर खुला भी है तो भी आप लोग अगर अंबुबासी का नियम या व्रत पाल रहे हैं तो मंदिर के अंदर एकदम मत जाइएगा। और अंबुबासी के दौरान ये माना जाता है कि धरती माता को पीरियड्स हो रहा है, इसलिए ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे धरती माता को नुकसान हो, जैसे पेड़ काटना, पैर से फल वगैरह तोड़ना, ऐसा भी काम मत कीजिएगा। और अंबुबासी के दौरान खेती कार्य भी करना या कृषि कार्य भी करना मना है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी मतलब हेल्पफुल ज़रूर हुआ होगा। तो माँ कामाख्या से जुड़ी हुई और भी इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो वीडियो देख के कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। कोई मेरे ही दूसरे वीडियो में आप लोगों से जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या, ओम नमः शिवाय।